यस yes, जी मैं 8 जनवरी शिफ्ट वन का पेपर के पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसा 7 जनवरी शिफ्ट वन और टू का पेपर था, बिल्कुल उसी तरह का पेपर था। कुछ क्वेश्चंस इसमें टाइम कंज्यूमिंग थे जैसे शिफ्ट टू में भी थे, बट कई सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कम समय में हो सकते थे। और आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पेपर इतना अच्छा कंसेप्चुअल था कि अगर आपने 12th की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, बेस अच्छे से बना के किया होगा, तो आपका पेपर बनेगा। और देखिए इसी तरह का पेपर शिफ्ट में भी वन में भी था, पेपर में मतलब 7 जनवरी में। देखिए क्या क्वेश्चन है, डीवाई बाई डी एक्स। अब इसको सिंपली आप ऐसा लिख लीजिए, डीवाई अपॉन रूट माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन कर दीजिए, जैसे साइन इनवर्स वाई डायरेक्ट लिखिएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी या साइन इनवर्स सी कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स 1/2 पर y रूट 3/2 दिया हुआ है, y x 1/2 पर y रूट 3/2 दिया है, तो x के लिए 1/2 रखिए रूट 3/2, देन पाई बाई रूट 3/2 रखा तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू सी, यानी c इक्वल टू पाई बाई 2, बेसिकली c इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया आपका, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो मतलब आपकी इच्छा है। अब जैसे आपसे इसमें इनमें से कोई एक आंसर कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है, चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स। इसको और सिंपल करना है तो मैं बता देता हूं, आप ऐसा लिख लीजिए साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। चाहे तो इसको ऐसा लिखा रहने दें, तो साइन इनवर्स अब आप यहां पर रख दीजिए एक्स के प्लेस पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी। तो जैसे सपोज आपने मान लीजिए ऑप्शन रखा यहां पर, सभी में 1/√2 है, पहले तो 1/√2 ही रखें, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/√2 मतलब पाई बाई 4, तो ये बच्चा पाई बाई 4। तो यहां पर वाई लिया तो वाई इक्वल टू साइन पाई बाई 4, दिस इज 1/√2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं वाई 1/√2 पर वैल्यू आना चाहिए 1/√2, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हुआ, दिस इज द राइट आंसर, राइट। आप इसमें चाहे तो साइन इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते थे, पर उससे ज्यादा अच्छा ये तरीका हो सकता था कि आप डायरेक्टली यहां पर कर देते, और चाहे तो देखिए अपने आपके पास तरीके होते, जैसे आप यहीं पर साइन ले लेते तो आप ऐसा भी लिख सकते थे वाई इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एंड साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब 1/√2 रख दीजिए तो कॉस पाई बाई 4 एंड दिस इज 1/√2, तो वाई 1/√2 पर, सॉरी एक्स की वैल्यू 1/√2 पर वाई की वैल्यू भी 1/√2 होगी, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू 1 प्लस साइन पावर 6 एक्स होल पावर 2/3 इक्वल टू एफ एक्स इंटू 1 प्लस साइन पावर 6 एक्स की होल पावर 1/λ प्लस सी। देन आपसे पूछा लेमडा एफ पाई बाई 3 क्या होगा, मतलब एक्चुअल में एफ एक्स क्या है वो, और लेमडा एफ पाई बाई 3 आपसे पूछा हुआ है। क्या करेंगे अब, लेमडा यहां पर है इसकी होल पावर, तो आप समझिएगा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप साइन एक्स को सबसे पहले टी मान लें, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स, तो डी टी अपॉन टी क्यूब 1 प्लस टी की पावर 6 होल पावर 2/3। याद होगा ये एक फॉर्म हमने पड़ी थी, एक्स और अंदर एक्स पावर एन, 6 पावर बाहर निकालिए तो बाहर आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर, देखिए 6 की पावर आपने जब टी पावर 6 लिया तो साथ में 2/3, तो ये कैंसिल कितने टाइम, 2 टाइम, तो 4, तो डी टी अपॉन टी पावर 7 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी पावर 6 की होल पावर 2/3, राइट। अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन टी पावर 6 को अगर आप u मान लेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, -6 अपॉन टी पावर 7 टी टी इक्वल टू डी यू। यानी लॉजिकली अगर हम समझें तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, -1/6 बाहर आ जाएगा, राइट, सॉरी ये आपने जब माना होगा तो यस, -1/6 बाहर आ जाएगा और ये मिलेगा आपको डी यू अपॉन यू की पावर 2/3,
इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस वन बाय सिक्स यू की पावर माइनस टू बाय थ्री डी यू, तो पहले मिलेगा माइनस वन बाय सिक्स यू की पावर वन बाय थ्री अपॉन वन बाय थ्री, जो कि प्लस वन होगा, इसमें अपॉन में भी प्लस वन होगा, ये आ गया। तो आपको एक तरह से मिला माइनस वन बाय टू, यू की जगह आप पहले यू की वैल्यू रखेंगे तो वन प्लस वन अपॉन टी की पावर सिक्स इक्वल की होल पावर वन बाय थ्री। अभी भी काम नहीं होगा, अभी टी की वैल्यू रखेंगे, टी का मतलब क्या था यहां पर देखिए साइन एक्स, और एलसीएम जब लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा माइनस वन बाय टू टी पावर सिक्स प्लस वन की होल पावर वन बाय थ्री अपॉन अपॉन, क्योंकि आपने जब एलसीएम लिया होगा तो नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, राइट। यानी ऐसा भी लिख सकते हो माइनस वन बाय टू इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस साइन की पावर सिक्स एक्स होल पावर वन बाय थ्री। तो अब इसका मतलब यहां पर लेमडा से हम समझें तो लेमडा की वैल्यू तो हो गई थ्री, लेमडा की वैल्यू हो गई थ्री, और एफ एक्स का मतलब समझें तो ये एफ एक्स हो गया, राइट। तो हमारे पास ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब रख दीजिए, अब आपको माइनस, अब एफ कितना है पाई बाई थ्री, तो आपने रखा पाई बाई थ्री, तो माइनस वन बाय टू पाई बाई थ्री की वैल्यू होगी, कॉसेक है साइन होता तो रूट थ्री बाय टू यानी टू बाय थ्री, तो फोर बाय थ्री, इसका मतलब माइनस टू बाय थ्री ये हो गया, और साथ में लेमडा भी है, तो लेमडा कितना अभी निकाला था आपने थ्री इंटू माइनस टू बाय थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल तो माइनस टू, दिस इज द राइट आंसर। बट ये क्वेश्चन आप चाहे तो पहले राउंड की जगह सेकंड राउंड में करते तो ज्यादा अच्छा होता। करना क्या था, पहले साइन एक्स को टी माना, ये इसका डिफरेंशिएशन है, क्लियरिटी आया इसके अलग से लिखा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, फिर उसके बाद ये टी पावर सिक्स बाहर निकाला, इसको यू माना, ये इसका डिफरेंशिएशन है, फाइनल रिजल्ट को कंपेयर कर दिया। नोट करिए क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट के भी क्वेश्चन हर पेपर पर है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल पावर वन बाय एक्स स्क्वायर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ई एफ एक्स लिमिट में एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, कंडीशन थी वन की पावर अगर इंफिनिटी वाली फॉर्म आ रही हो तो आप डायरेक्टली लगा सकते थे ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, आप लगाइए इसमें, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो देखिए वन की पावर इंफिनिटी है, ई पावर वन बाय एक्स स्क्वायर, टाइम बचाना है तो एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिएगा, अभी स्टेप्स क्लियरिटी आए इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। देखिए क्या आया ई पावर वन बाय एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ई पावर माइनस फोर अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, लिमिट हर जगह लिखिएगा, पर मैंने आपको बोला ऑब्जेक्टिव में हर एक स्टेप आपका टाइम सेव करती है तो मत, मैंने इसलिए नहीं लिखी, अब एक्स के प्लेस पे जीरो रखा तो ई की पावर माइनस ऑफ टू, देन दिस इज द राइट आंसर, ई पावर माइनस टू। जो मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया है, बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, अगर वो आपने बहुत अच्छे से कवर किए होंगे तो पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, शिफ्ट वन में भी एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन था सिक्स डिजिट का नंबर का, ये क्या देखिए, इन अ बैग देयर आर फाइव रेड थ्री व्हाइट एंड फोर ब्लैक बॉल्स, फोर बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, देन द नंबर ऑफ वे इन विच एट मोस्ट थ्री रेड बॉल आर सिलेक्टेड। थ्री रेड बॉल का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक तीन रेड बॉल हो, तो अधिक से अधिक तीन हो तो रेड बॉल मतलब जीरो से लेके थ्री तक जा सकते थे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए कि जीरो रेड बॉल के समय में ये सेवन ले लो तो सेवन सी फोर, क्योंकि फोर निकालना है, और इस समय रेड बॉल जीरो मान लीजिए, हो सकता है कि रेड बॉल एक आए, ऐसा सोचिए रेड बॉल एक आई होगी तो ये थ्री होंगी, रेड बॉल टू रही होंगी तो ये टू होंगी, और रेड बॉल थ्री रही होंगी तो ये वन रही होगी, और हो सकता है कि रेड बॉल ऑल फोर हो, अच्छा एटमोस्ट थ्री बोला तो थ्री से ऊपर नहीं जा सकते, ये खत्म हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए इसको तो सेवन सेवन सी फोर मतलब सेवन सी थ्री, तो सेवन सिक्स फाइव अपॉन थ्री टू वन तो थर्टी फाइव, ये हो गया फाइव सी वन इज फाइव सेवन सी थ्री इज थर्टी फाइव, फाइव सी टू इज टेन सेवन सी टू इज सेवन इंटू सिक्स अपॉन टू ट्वेंटी वन, प्लस फाइव सी थ्री इज टेन एंड
सेवन। आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो 35 कॉमन ले लो, तो 35 इंटू 6 प्लस 210 प्लस 70, राइट। ये कितना हो जाएगा, 70 इंटू 3, 210, 210 प्लस 70 इज 420 प्लस 70 इक्वल टू 490, ऐसा कर दिया। दिस इज द राइट आंसर। क्या करा आपने, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि अधिक से अधिक तीन रेड बॉल हो और टोटल निकालनी थी फोर, तो हर बार सिलेक्शन फोर का ही होगा, ये ध्यान रखिए, पीएससी में पढ़ा था। पर अगर जीरो रेड बॉल है तो कोई भी फोर हो सकती है, वन रेड है तो थ्री अदर, टू रेड तो टू, थ्री रेड तो वन, राइट। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, टू पावर वन माइनस एक्स प्लस टू पावर वन प्लस एक्स कॉमा एफ एक्स कॉमा थ्री पावर एक्स प्लस थ्री पावर माइनस एक्स आर इन एपी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये एपी में है तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। आपने एक प्रॉपर्टी हमेशा यूज की है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो कम से कम एफ एक्स, तो अगर मैं बात करूं केवल अर्थमेटिक मीन की, तो टू पावर इंटू टू पावर माइनस एक्स प्लस टू टू पावर एक्स प्लस थ्री पावर एक्स प्लस थ्री पावर माइनस एक्स बाय टू, ये अर्थमेटिक मीन होगा। अब इसमें आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, टू टाइम्स ऑफ टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू पावर एक्स प्लस थ्री पावर एक्स प्लस वन अपॉन थ्री पावर एक्स अपॉन टू। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर x के प्लेस पे जीरो रख दिया जाए, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वन वन, ये हमने कई बार किया, तो जीरो रखा तो वन वन टू फोर और टू सिक्स, सिक्स बाय टू थ्री, यानी अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। तो अर्थमेटिक मीन मतलब एफ एक्स, तो आप बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की तो थ्री होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू है थ्री। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, पी ए इक्वल टू वन बाय थ्री, पी बी इक्वल टू वन बाय सिक्स, वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन विच वन इज रिलेशन करेक्ट। देखिए अगर इंडिपेंडेंट रिलेशन है तो ए बाय बी हमेशा ए के इक्वल होगा, या बी बाय ए होता है, या ए बाय बी डैश होता है, जो लिखा है। तो अब यहां पर देखिए, जैसे ए बाय बी है तो ए के इक्वल होगा, तो ए वन बाय सिक्स है, ये नहीं होगा। ए बाय बी डैश वन बाय थ्री पी ए के इक्वल होगा, ये हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है, ए इक्वल होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिंपल, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डायरेक्ट बोल सकते थे दिस इक्वल टू। देखिए इतने भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं, बस वही बात ध्यान रखनी है। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एट पावर टू एक्स माइनस एट पावर माइनस टू एक्स अपॉन एट पावर टू एक्स प्लस एट पावर माइनस टू एक्स, देन इनवर्स ऑफ एफ एक्स। देखिए इनवर्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यानी x के फॉर्म में लिखे हुए फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इसे y मान लीजिए, 8 पावर 2x माइनस 8 पावर माइनस 2x। अब देखिए आप उलझना मत, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, सबसे अच्छा होता है कई बार कंपोनेंट और डिविडेंड जरूर लगा के देख लेना चाहिए। क्या होता है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो आप केवल इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, अपॉन वन है तो y प्लस वन, क्योंकि इसमें रिमूव हो जाएगा y माइनस वन। अब देखिए न्यूमरेटर 8 पावर 2x प्लस 8 पावर माइनस 2x अपॉन 8 पावर 2x माइनस 8 पावर माइनस 2x माइनस 8 पावर 2x माइनस 8 पावर माइनस 2x, ये कितना हुआ, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू, जो कैंसिल हो रहा है वो कर दीजिए, यहां पर ये वाला कैंसिल हो रहा होगा तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पावर 2x अपॉन 8 पावर माइनस 2x, एक माइनस भी आएगा, माइनस क्या बिल्कुल चिंता ना करें। आप देखिए क्या होगा, जैसे ये लिखा आपने तो आप सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इसका माइनस यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 8 पावर 4x, राइट। ये ऊपर चला गया तो 8 पावर 4x, और ये माइनस यहां आ गया तो 1 माइनस वाई। अब ले लीजिए लॉग, तो जैसे ही आपने लॉग लिया तो लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 4x लॉग 8, 4x log 8 हो सकता है। इसके ऑप्शन में बेस 8 के साथ ही दिया वो मैंने, क्योंकि मेमोरी बेस पेपर है। तो अगर यहां पे देखें तो x इक्वल टू ऐसा हो गया, 1 बाय 4 अलग है, log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, ऐसा बोल सकते हो आप, log 8, या x इक्वल टू 1 बाय 4 log बेस 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और ये f इनवर्स y है,
वाई के प्लेस पर एक्स रख दें तो एक तरह से आपको एफ इनवर्स एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा 1/4 लॉग बेस 8 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए है कोई 1/4 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये बेस 8 होना चाहिए यहां पर, राइट बेस 8 होना चाहिए क्योंकि जब आप लॉग लेंगे तो ये भी लॉग बेस नहीं, ये ई के साथ है, एक मिनट, ये भी ई के साथ है, यस ठीक है। तो ये इसके साथ आपने लिया तो ये लॉग बेस ई 8 मिलेगा, देखिए ये दोनों ही ऐसे मिले तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट बेस चेंजिंग फॉर्मूले से, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, लेट एबीसी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टेसेस आर, एक एबीसी ट्राइंगल है, ए के वर्टेक्स हैं 1-1, बी के हैं 0-2, सी के हैं मान लो एक्स डैश वाई डैश की जगह एक्स वाई भी लिखे तो चलेगा, राइट। एंड ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 5 यूनिट, सी इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश, लाए ऑन 3x प्लस y इक्वल टू 4 लैम्डा, मतलब इसको x डैश y डैश लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर मैं एक्स वाई भी कंसिडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 4 लैम्डा देन लैम्डा इज, तो आपको लैम्डा से कंपेयर करना, सिंपल लॉजिक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, एक्स वाई वन माइनस वाई टू एंड वाई टू माइनस वाई थ्री। पर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो प्लस माइनस 5 लिखिएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लिखिए प्लस माइनस 10 इक्वल टू दिस माइनस दिस, कुछ भी ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए तो क्या लिखेंगे, देखिए x माइनस 0 तो x 0 माइनस 1 तो माइनस 1, y माइनस 2 एंड 2 माइनस माइनस 1 3, तो आपको एक तरह से प्लस माइनस 10 इक्वल टू मिला 3x प्लस y, ये ऐसा होगा, देखिए ध्यान रखिएगा 3x माइनस ये प्लस हो जाएगा y माइनस 2, यानी बेसिकली प्लस माइनस 10 इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 2, देखिए 3x प्लस y से कंपेयर हो जाएगा तो 3x प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस 10 प्लस 2, ये आपको रिजल्ट मिला टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 3x प्लस y इक्वल टू 12, टेकिंग नेगेटिव साइन तो 3x प्लस y इक्वल टू माइनस ऑफ 8, तो ये हुआ 4 इंटू 3, ये हुआ 4 इंटू माइनस 2, राइट 4 इंटू 3 4 इंटू माइनस 2, तो इसका मतलब 4 लेमडा आपको दिया हुआ है, इक्वल टू 4 लेमडा दिया है तो 4 टाइम्स, तो लेमडा की एक वैल्यू 3 हो सकती है, एक वैल्यू माइनस 2 हो सकती है, सिंगल करेक्ट आंसर है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, राइट बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के जब निकालेंगे तो एक्स वाई की जो इक्वेशन बनेगी उसको इससे कंपेयर कर दें तो लेमडा मिल जाएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अब यहां पे 2:2 लाइंस दी हैं, आपको ध्यान होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा एम वन, आर वेक्टर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू एम टू, तो इनका डायरेक्ट शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला था ए टू माइनस ए वन डॉट एम वन क्रॉस एम टू अपॉन मॉड ऑफ एम वन क्रॉस एम टू, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ये फॉर्मूला लगाए तो इसकी फैक्टर फॉर्म से करें तो ज्यादा अच्छा है, जैसे पहली इक्वेशन है आर इक्वल टू 3i प्लस 8j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ i प्लस 4j प्लस 22k, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है माइनस थ्री आई माइनस 7j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस ऑफ 7k। तो अगर मैं आपसे ये a1 m1 है, ये a2 m2, अगर मैं बोलूं a2 माइनस a1 क्या होगा तो माइनस ऑफ 6i प्लस ऑफ 15j, नहीं माइनस ऑफ 15j प्लस ऑफ 3k, राइट। और यही कहीं मेंटली कर ले हम m1 क्रॉस m2 क्या होगा, तो इसको करिए, ये हो जाएगा 28 माइनस 22 यानी 6i, इसका करिए 22 माइनस 7 प्लस 15j माइनस 3k, राइट। अब इसका पहले डॉट प्रोडक्ट करके बताइए तो ये जाएगा माइनस 36 माइनस 225 माइनस ऑफ 9, माइनस 36 स्क्वायर ही है वो सीधे, और ये हो जाएगा 15 इंटू 15 225 एंड माइनस ऑफ 9 अपॉन, अब देखिए ये सब ऐड हो जाएगा और डिस्टेंस है तो प्लस हो जाएगा 36 प्लस 225 प्लस ऑफ 9, राइट। अब क्या होगा,
इसको आप जब ऐड करेंगे तो 36 ये 45 हो जाएगा, 45 और 225 तो 230, 270 अपॉन, अब रूट के अंदर देख लेते हैं कितना, ये 45, ये भी रूट 270 हो जाएगा। तो आप एक तरह से रूट 270 आंसर आएगा। अब रूट 270 को चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 × 30 तो 3√30 इज अ राइट आंसर। राइट, 3√30 इज अ राइट आंसर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉर्टेड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, बस वेक्टर फॉर्म में करोगे तो क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर सकते थे।